ग्वालियर के जेसी मिल इलाके में रहने वाले श्रमिक परिवारों को सरकार की सौगात मिलने जा रही है। जी हां, जेसी मिल में रहने वाले 711 श्रमिक परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। श्रमिक परिवारों को मिल की जमीन पर ही मकान बनाने के लिए पट्टे दिए जाएंगे। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों पट्टे बांटे जाएंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने श्रमिक परिवारों के आवेदन लिए। मंत्री जी ने कहा कि जेसी मिल के श्रमिकों को आवास का मालिकाना हक देने के लिए कैंप लगाकर आवेदन जमा कराए गए हैं। आपको बता दें कि जेसी मिल 1992 में बंद हुई थी। 3 साल पहले कोर्ट ने मिल की जमीन को सरकारी घोषित किया था। तब से इस जमीन पर रहने वाले श्रमिक परिवारों पर बेदखल किए जाने की तलवार लटकी थी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने श्रमिकों को उनकी जमीन पर ही मालिकाना हक देने का वादा किया था, जिस पर सीएम शिवराज सिंह ने मोहर लगाई थी। आज पट्टे के लिए आवेदन लेने के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने महिलाओं के आवेदन लेकर पैरों में सिर रखकर आशीर्वाद लिया। तोमर ने कहा कि हमने श्रमिक परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का वादा किया था, जिसे निभाया है, और जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी ये गणना जैसे लाइन नंबर 8, 1, 2 जो सरकारी भूमि पर बने उनमें लगभग 700 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको ये माल का हक दिया जाएगा। दूसरा ये भी आपको बता दें कि जो हमारे ये लोपीटा लोग तानसेन रोड पर डले रहते थे उनका भी 28 परिवार को पट्टे देने का काम इसी हफ्ते में हम कर रहे हैं। ये पहला मौका होगा शायद। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।